₹500 देते हैं, आपके एमपी एमएलए ₹500 में गुजारा कर लेंगे सर? 4000 में आप लोग गुजारा कीजिए ना सर, केवल कॉमन जनता क्यों करे? आप कोई विशिष्ट थोड़ी है सर, आप भी एक कॉमन मैन से आप बोलते हैं ना सर, आप एक चाय वाले हैं सर, तो एक चाय वाले से जाके पूछिए क्या वो चाय वाला सर्वाइव कर रहा है। हमें अपने कंट्री में इनकी फैसिलिटीज चाहिए कि मेरे देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास गरीब हो रहा है और गरीब गरीब से बदतर होता जा रहा है, तो आपकी पॉलिसीज कहां सक्सेसफुल है? आपने ग्राउंड लेवल पे लॉकडाउन में जो प्रोसीजर्स अपनाए हैं, दोज आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल, एंड द कॉमन पीपल हैव बीन सफरिंग सिंस 2016 एंड नाउ दे आर सफरिंग द मोस्ट। और लॉकडाउन में सब चीजें महंगी हुई सर, सब्जियां महंगी हुई। एक बात बताएं, घिया ₹40 बिकता है, मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हूं, धनकौर क्षेत्र से, वहां ₹10 बिक रहा, लेकिन हमारे यहां पे शहरों में ₹40 बिक रहा है सर। भिंडी ₹60 बिकती है, शिमला मिर्च ₹80 बिकते हैं। क्यों बिकते हैं सर? वहां पे ₹10 का बिकता है, बिकॉज आपने सारी चीजें बंद कर दी, ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया, कालाबाजारी हो रही है, सब आपके निगरानी में सर। आपकी पार्टी क्या देखती नहीं है? आपके यहाँ पे जितने भी स्कूल्स है सबने फीस लेना स्टार्ट कर दिया है, स्कूलों में सारी बुक्स जो है स्कूल में बिक रही है। क्यों भाई, नोटबुक सर, किताबें क्यों बिकती है? मोदी जी 7 साल हो गए, इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी तो नहीं है ना? बिकॉज जितने भी स्कूल्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, कुछ आपके लीडर्स के भी स्कूल्स होंगे, आपने पता करा है कभी सर? आप बंगाल की बातें करते हैं सर कि बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में वो हो रहा है, आपके गवर्नमेंट कहती है सर। आप मुझे एक बात बताएं, क्या बंगाल में आपके अपने कैंडिडेट्स थे? आपने सारे तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स को बीजेपी का झंडा दे दिया, उनको भगवा रंग चढ़ा दिया, इसका मतलब वो शुद्ध हो गए? तो सर शुद्धता आपके पार्टी में है कहां? आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर, अरे आत्मनिर्भर क्या, ये तो शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी जिस तरीके से आपके पॉलिसीज हैं सर। जय हिंद जय भारत। मोदी जी, मुझे अफसोस से करना पड़ा और काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसे करा जाए, आप तक ये मैसेज पहुंचे कि लोग किस तरीके से परेशान है, लॉकडाउन है। मैं ठीक हूं, मेरी तरह और भी काफी सारे लोग ठीक होंगे जो थोड़े संपन्न है, पर उन लोगों का क्या जो संपन्न नहीं है? मजदूरों की जो मौत हो रही है मोदी जी, जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपने ये लॉकडाउन किया, मैं एज ए प्रधानमंत्री आपसे ये कंप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा भी एक अधिकार है आपके ऊपर, हर बात को कहने का, आप तक अपने बात पहुंचाने का। आपने आज तक जो जो स्टेप लिए अपने तरीके से लिए, हो सकता है कि आपने बहुत प्लान तरीके से करे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रभावशाली तरीके से उसका एक्शन दूसरों पे अच्छा हुआ हो। मसलन सबसे पहले नोटबंदी आपने अचानक से किया, आपने टाइम नहीं दिया। देखिए, जो रिच पीपल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन चीजों से, प्रॉब्लम होती है कॉमन लोगों को, जो लोग भुगतते हैं, जिन पे पैसे नहीं होते हैं, सिलेक्टेड पैसे होते हैं, निकालने होते हैं, बैंक से जाते हैं, उन्हें आपने लंबी लंबी कतारों में लगाया। चलिए, तो पुरानी बातें हो गई, लॉकडाउन की बात करते हैं। आपने ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन कर दिया, ट्रेन्स बंद कर दिए, हवाई सेवाएं बंद कर दी। भाई, आपने एक बार ये तो सोचा होता कि जो लोग यहां बाहर प्रवासी मजदूर हैं, बाहर के लोग हैं, अदर स्टेट, यहां बाहर का मतलब कोई एक्सपैट्रिएट नहीं है, कोई दूसरे कंट्री का नहीं है, बाहर कहने का मतलब है भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप भी समझते होंगे, और वहां पे हर देश का, हर राज्य का नागरिक इस देश में अलग अलग प्रांत में नौकरी कर रहा है अपने अपने कार्य क्षमता के अनुसार। आज आप देख रहे हैं औरैया में 26 लोग खाना खाते खाते मर जाते हैं। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा में हूं लॉकडाउन में, और मुझे आदत नहीं है कि मैं अपने फोटो बांटता फिर मैं लोगों को खाना खिला रहा हूं, बिकॉज अच्छे काम के लिए मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल फादर गॉलबर्ट ने सिखाया नहीं कभी कि इफ यू डू सम गुड वर्क डोंट नीड टू शो इट, यू जस्ट गो ऑन डूइंग इट, इफ यू वांट टू हेल्प देयर इज नो नीड ऑफ पब्लिसिटी फॉर दैट। पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं मोदी जी, कि आपने इतना अच्छा प्रबल, आपके स्मृति ईरानी जी, आपके केंद्रीय मंत्री गडकरी जी इतने अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं टीवी पे, हमने वो किया, हमने बुनकरों के लिए इतना कुछ किया, हमने एमएससी में ये उपयोग किया, आप एक बार सड़क पर आके देखें कि लोगों के लिए आपने किया क्या है। हम जैसे कितने ही लोग, हजारों लोग भारत में इस वक्त बिस्किट के पैकेट लेके यार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका कारण केवल ये, यार सड़कों पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि लेबर जो है वो पेड़ों के नीचे लेटी हुई है, जो मजदूर है, जब छांव होती है फिर चलते हैं, फिर गर्मी में चलते हैं अपने बच्चों को लेकर। आप टीवी में देखे, दुनिया भर के चैनल में आपने कहा कि आपके जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है लोगों को बहुत अच्छे से सुविधाएं मुहैया किया जा रहा है। आप आइए यूपी में, मुझे बताएं एक बार, दिखाएं ग्रेटर नोएडा में आपने क्या सुविधाएं प्राप्त करा रखी है लोगों को। मैं आपको एक एक चीज आपको गिनती का बता सकता हूं। मास्क वगैरह तो छोड़िए, जो 10-10 रुपए का मास्क आप लोगों तक क्या पहुंचाएंगे, यहां दुकानों में हर चीज ₹40, ₹60, ₹100 तक बिकने लगे, क्या लोग इसे ले सकते हैं? लोग सड़कों में चल रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर में, पानी का कैन लेकर, उन्हें पानी तक की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो आम जनता है जो आम जनता की मदद कर रही है। आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर, अरे आत्मनिर्भर क्या, ये तो शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी जिस तरीके से आपके पॉलिसीज हैं सर। आपके जितने भी पॉलिसीज, आपके जो मंत्री बताते वो ऑन पेपर से हैं, आप कहां से ये डाटा इकट्ठा करते हैं मोदी जी?
कहां से डाटा? मैं आपका प्रबल भक्त हूं, हो सकता है कि आपको मानने वाले दूसरे लोग दो मिनट में मुझे बैड कमेंट्स करने लग जाए, पर मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मोदी भक्त होने से बेहतर है कि मैं देशभक्त हूं। पहले मेरे अंदर देशभक्त का खून है। मोदी इज अ कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री जस्ट लाइक मी एंड सेवरल मिलियंस ऑफ पीपल। बट पेट्रियोटिज्म तो हर एक के अंदर है सर। ऐसा जरूरी तो नहीं कि पेट्रियोटिज्म होने के लिए मुझे बीजेपी का ही गमछा ओढ़ना पड़ेगा या सौपी ओढ़नी पड़ेगी या भगवा रंग ओढ़ना पड़ेगा। इतने सारे लोग हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। इस वक्त मैं जलवायु विहार सोसाइटी के बिल्कुल करीब हूं, जिसमें कि कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। आपको पता है वहां लोगों ने इंक्वायरी कैसे की? आंगनवाड़ी टाइप दो वर्कर आए, उन्होंने हर एक के घर में आकर पूछा आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप कहीं बाहर से तो नहीं आए? बस उन्होंने एक लिखा पूर्ति की और चले गए। ये आपका सीलिंग का प्रोसेस है। उन सोसाइटीज में जहां कोरोना कोविड पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनके पास एक थर्मामीटर भी नहीं है जो टेम्परेचर को रीड करे, टेम्परेचर को रजिस्टर में पुट अप करे। ऐसे और भी सोसाइटीज हैं, मैं आपको इसकी गिनती दिखा सकता हूं, और मैं अगर इसको पोस्ट करता हूं तो और कई लोग इसको साबित करेंगे, बिकॉज जिस सोसाइटी का मैंने नाम लिया उस सोसाइटी में मेरे अपने बहुत परिचित व्यक्ति हैं, और मैं भी समाज में रहता हूं और सामाजिक अपने जिम्मेदारियों को निभाने का कर्तव्य पालन करता हूं। सर, आपके सबसे पहले 500 रुपए खाते में दिए जाएंगे, राशन में गेहूं दिए जाएंगे। सर, आप मुझे एक बात बताएं, आप गेहूं प्रोवाइड करते हैं, उस गेहूं को पीसेगा कौन? उस गेहूं को पीस का आटा कहां से आएगा जब आपने लॉकडाउन कर रखा है? और किस किस व्यक्ति को मिल रहा है? मेरे यहाँ पे दर्जनों लोग हैं जो लोग यहाँ वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक किसी व्यक्ति को मैंने सामान पाते हुए नहीं देखा सर, एक किसी व्यक्ति को। कब आता है, किसको मिलता है, ये तक नहीं पता चलता। सर, मेडिकल एड नहीं मिलती, ये सारे आंकड़े आपके टेलीविजन में आते हैं आपके नेताओं के द्वारा। मैं देख रहा था स्मृति ईरानी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बोला हमने बुनकरों के लिए जो किया, फिर बात आई कि हम एमएसई को लोन देंगे। सर, आप मुद्रा लोन पे आ जाएं, आपने जो मुद्रा लोन बनाया था, क्या लोन मिलता है लोगों को? मेरे ऑफिस में 6 एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैंने अपने इंडियन बैंक ग्रेटर नोएडा के मैनेजर से बोला कि सर इनको दे दीजिए, दे वॉन्ट टू स्टार्ट अप, तो पता है वो क्या बोलते, कि दे नीड कोलैटरल। अगर आप मुद्रा लोन में कोलैटरल चाहिए तो सीधा सीधा बोलो ना कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको देनी, फिर आप ये क्यों बोलते हो कि हमने ये लोन प्रोवाइड कर दिया? सर, मैं भी बिजनेसमैन हूं, सबसे ज्यादा भुगतता है बिजनेसमैन इस देश में, वो टैक्स भी भरता है, सारी चीजों को भी करता है, उसके पश्चात भी आपको लगता है कि केवल कागजी कार्रवाई। सर, आई एम नॉट हैप्पी, आपने लॉकडाउन में कोई मेजर्स नहीं लिया, काश कि आप 2 दिन बाद लॉकडाउन करते, लोगों को ये इत्तला करते, चाहे भगदड़ मस्ती, भगदड़ तो अब भी मची हुई है। जो लोग अपने किराए पे मकानों में रह रहे हैं, किराएदार का एक बात बताओ, जिनका जो आश्रित है किराए के कमाई से, वो मकान मालिक एक मकान है बेचारे पे, उस पे भी अपने लोग हैं, परिवार हैं, वो अपना खर्चा कहां से चलाएगा? आपने कहा किराया मत लो, भाई आपने उसके लिए क्या किया, क्या प्रावधान किया? आप मुझे बता दें, अगर आपने कोई प्रावधान कर रखा हो, क्या उनके अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए? आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द वे योर गवर्नमेंट हैज वर्क्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉकडाउन। मुझे लगता है कि आप मन की बात करते हैं, पर आप मन की बात सुनते नहीं है सर, या फिर आपको जो मन की बातें सुनाते हैं आपके इर्द गिर्द के जो नेता हैं, शायद वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इनोवेटेड हैं, वो शायद लोगों से अवेयर नहीं है। मथुरा से आपके सांसद होते हैं हेमा मालिनी, जो मुंबई में अपने प्रवचन देते हैं सर, कमाल की बात हो जाती है। पैराशूट कैंडिडेट्स होते हैं सर, आप बंगाल की बातें करते हैं सर कि बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में वो, और आपकी गवर्नमेंट कहती है। सर, आप मुझे एक बात बताएं, क्या बंगाल में आपके अपने कैंडिडेट्स थे? आपने सारे तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स को बीजेपी का झंडा दे दिया, उनको भगवा रंग चढ़ा दिया, इसका मतलब वो शुद्ध हो गए? तो सर, शुद्धता आपके पार्टी में है कहां? वेयर इज द प्योरिटी इन योर पॉलिटिकल एजेंडा? सर, मैंने आपको वोट दिया सर, मैं बहुत प्रशंसक हूं आपका, मेरे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं मोदी जी, बट मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, मेरे बच्चे अगर ये जाने कि आपकी वजह से बिजनेस लोगों का कैसा इफेक्ट हुआ है, लोगों की जीवन शैली कैसे इफेक्ट हुई है, जो हम अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, उसे छोड़े सर, आप वास्तविकता में आइए। 2016 में आपने नोटबंदी की थी, आइए मैं आपको एक एक घर ले चलता, आप एक घर से मुझे ये बता दें कि इस घर का आर्थिक कंडीशन बढ़ गया, और मैं आपको दर्जनों नहीं लाखों घर दिखा दूंगा जिनके आर्थिक कंडीशंस और विकृत हुई जब से आपके सरकार ने इस तरीके के पॉलिसीज किए। और लॉकडाउन में सब चीजें महंगी हुई सर, सब्जियां महंगी हुई। एक बात बताएं, घिया 40 रुपए बिकता है, मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा हूं, धनकौर क्षेत्र से, वहां 10 रुपए बिक रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे शहरों में 40 रुपए बिक रहा है सर। भिंडी 60 रुपए बिकती है, शिमला मिर्च 80 रुपए बिकते हैं, क्यों बिकते हैं सर? वहां पे 10 रुपीज का बिकता, बिकॉज आपने सारी चीजें बंद कर दी, ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया, कालाबाजारी हो रही है, सब आपके निगरानी में सर। आपकी पार्टी क्या देखती नहीं है या क्या आपके ऑफिसर्स को इसकी जानकारी नहीं है? और एक बात और सर, आपने लॉकडाउन में वाइन शॉप्स बंद करवाए, आपको पता है पूरे लॉकडाउन में वाइन शॉप्स बिकी है, सारी बिकी है सर, ब्लैक में बिका है, 400 का माल 2500-3000 बिका, दुनिया ने खरीदी होंगी सर। आप सर्वे करिए, आपके पास तो इंटेलिजेंस बहुत होंगी सर, आपके पास सारे इंक्वायरी ब्यूरो होंगे। और आपको बताना चाहूंगा, जब आपने लॉकडाउन खोला, लोग लाइन पे आके खड़े हुए,
नोएडा ग्रेटर नोएडा, उसमें एक भी स्टॉक ही नहीं था। फिर ये स्टॉक गया कहां? क्योंकि सारी चीजें सबके निरीक्षण में बेचा गया, गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व रही इस चीज में। सर कुछ कॉमन लोगों के लिए कीजिए, खाली ऑन पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स मत कीजिए। और आपने जो आत्मनिर्भर होना सिखाया, सर आप कौन है जो आप हमें आत्मनिर्भर होना सिखाएंगे? हमारे पेरेंट्स हमें ऑटोमेटिक सिखाते हैं। आपकी गवर्नमेंट जब से आई है आत्मनिर्भर छोड़िए, सब अपने पे ही है सर, लेकिन आप इस बात का क्रेडिट मत लीजिए। दिल्ली में दिल्ली के राइट्स हुए, फिर आपने लॉकडाउन किया। आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर की कंडीशंस क्या है? और हम सो कॉल्ड स्ट्रिक्टनेस और ब्यूरोक्रेसी की बातें करते हैं सर। आप आइए, आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री को देखिए, आप टूरिज्म इंडस्ट्री को देखिए, आप टूर एंड ट्रेवल्स को देखिए सर, ट्रांसपोर्टेशन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा। आप आइए ना, आपके लोग मिलते भी हैं सर? आपके लोग कॉमन लोगों से मिलते हैं कभी? क्या हमारे यहाँ का सांसद मिलता है? क्या कभी मिलता है? वोट लेने के समय मिलता है डॉक्टर महेश शर्मा जी, अदरवाइज कभी मिलते ही नहीं है। हमने आपको वोट दिया सर, मेरे फेसबुक पेज में जाइए, मैंने आपको वोट दिया सर। मैं भक्त हूं सर, पर मैं अंधभक्त कभी नहीं हूंगा, पहली बात। और मैं देशभक्त हूं, मैं दोबारा आपसे बताना चाहूंगा, आपने ग्राउंड लेवल पे लॉकडाउन में जो प्रोसीजर्स अपनाए, दोज आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट ऑल, एंड द कॉमन पीपल हैव बीन सफरिंग सिंस 2016 एंड नाउ दे आर सफरिंग द मोस्ट। हम लोग उन्हें पानी पिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं, जो हमारी कैपेसिटी की, हमारी भी इनकम नहीं है सर, बट हम सोचते हैं कि हम बेटर हैं उनसे, लेट अस हेल्प देम। और मेरी तरह ना जाने कितने लोग रोज निकलते हैं इस काम को करने के लिए। आपको ये आवाज सुननी होगी सर कि आपकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है, आपके जो एडवाइजर्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग। केवल कांग्रेस को गाली देना, मनमोहन सिंह वॉज अ बेटर प्राइम मिनिस्टर सर इकोनॉमिकली, मैं कह सकता हूं इकोनॉमिकली मैं बहुत अच्छा था। और मेरी तरह ना जाने कितने बिजनेसमैन और कितने कॉमन लोग आप बेटर कंडीशन में थे। मुझे ब्रेड एंड बटर की कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन केवल लाइफ ब्रेड एंड बटर के लिए थोड़ी ना होती है। आपके यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं सबने फीस लेना स्टार्ट कर दिया है, स्कूलों में सारी बुक्स जो है स्कूल में बिक रही हैं। क्यों भाई, नोटबुक सर किताबें क्यों बिकती है? मोदी जी 7 साल हो गए, इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी तो नहीं है ना? बिकॉज जितने भी स्कूल्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, कुछ आपके लीडर्स के भी स्कूल्स होंगे, आपने पता करा है कभी सर? आप सीबीएसई आपकी गवर्नेंस में है, सीबीएसई अब आप गवर्न करते हैं, आप देखें सीबीएसई ने बोला आप मत बेचें, जितने भी स्कूल में बंद है सब में किताबें बेची जाती है। क्यों बेची जाती है? 8-8 हजार की स्टैंडर्ड 4-5 के बच्चों की किताबें, नोटबुक्स। सर हमने भी पढ़ा है, आई एम फ्रॉम सेंट मैरिज जमशेदपुर भाई, हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छा लीड करते थे सर, उन्होंने एक स्कूल को बहुत अच्छा लीड किया। आप एक पीएम है सर, हमें अमेरिका से आपकी तारीफ नहीं चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया से आपकी तारीफ नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड में अपनी तारीफ नहीं चाहिए सर, हमें अपने कंट्री में इनकी फैसिलिटीज चाहिए कि मेरे देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास गरीब हो रहा है और गरीब गरीब से बदतर होता जा रहा है। तो आपकी पॉलिसीज कहां सक्सेसफुल है? आई एम हाईली एजुटेटेड, आई कंप्लेन अगेंस्ट योर पॉलिसीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर आपके पॉलिसी से भी वैसे नहीं, बट आई एम हर्ट बिकॉज आई वोटेड फॉर यू, दैट इज आई एम हर्ट, आई एम स्ट्रिक्टली हर्ट सर। आई एम नॉट वोटिंग हियर फॉर कांग्रेस, आई एम नॉट वोटिंग हियर फॉर ममता बनर्जी, आई एम नॉट वोटिंग फॉर अखिलेश यादव, मैं इनमें से किसी की भी अभी तवज्जो नहीं कर रहा सर, मैं आपके लिए बात करता हूं, मैंने आपको वोट दिया सर। मित्रों भाइयों 15 लाख से आप स्टार्ट हुए थे सर, कहां तक पहुंचे आप देखें। आपने लेडीजों के जो हमारे माताएं महीने 4 पैसे जमा करती थी, आपने उस पैसे तक को ब्लॉक करवा दिया सर, उसे भी ब्लैक एंड व्हाइट में टर्म कर दिया सर। गवर्नमेंट को कितना चाहिए सर? सब हमसे चाहिए क्या? गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं आता, 500 रुपए देते हैं आपके एमपी एमएलए, 500 रुपए में गुजारा कर लेंगे सर, 4 हजार में आप लोग गुजारा कीजिए ना सर। केवल कॉमन जनता क्यों करे? आप कोई विशिष्ट थोड़ी हैं सर, आप भी एक कॉमन मैन से आप बोलते हैं ना सर, आप एक चाय वाले हैं सर, तो एक चाय वाले से जाके पूछिए क्या वो चाय वाला सरवाइव कर रहा है। जय हिंद जय भारत सर, मन की बातें कीजिए पर मन की बातें सुने, जो सड़कों में लोग जा रहे हैं उनकी व्यवस्था करें, ऐसे मरने मत दीजिए मोदी जी, लोग मर रहे हैं और बहुत दुख का विषय है। मुझे दुख केवल उन लोगों के मृत्यु से, वो अकाल मृत्यु है सर, बच्चे अनाथ हो रहे हैं आपके बैड डिसीजन की वजह से। मैं यहाँ किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहता, पर सच तो बोलना होगा सर, हमेशा हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम मुस्लिम तुम्हें खा जाएगा, हिंदू उसे खा जाएगा, इनफ ऑफ दीज थिंग्स, इनफ। जय हिंद जय भारत सदानंद बागी, रेबल सदानंद, मैं तो आपके खिलाफ खड़ा होऊंगा, आपके सिस्टमैटिक फेलियर्स के खिलाफ। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बहुत मानता हूँ सर, बट पॉलिटिकली यू हैव फेल्ड।